नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में आंधी पानी को लेकर। बिहार में सियासत पारा भी जिस तरह से बढ़ रहा, उसी तरह से मौसम का मिजाज भी लगातार बदल रहा। बदलते मौसम के बीच में इन दिनों प्रदेश में कहीं धूप तो कहीं बारिश की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में बिहार में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी पानी के साथ बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। बता दें कि बिहार में इस दौरान तेज आंधी के साथ पानी होने की संभावना जताई गई है। इधर IMD को से मिली जानकारी के अनुसार आंधी पानी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश में बिहार की तरफ 50 किलोमीटर चौड़ाई के लिए को लेकर एक सिस्टम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण प्रदेश में 24 मई की रात में बिहार में यह जो है सिस्टम गुजरने वाला है, जिसके कारण प्रदेश में तेज आंधी के साथ बारिश की पूरी संभावना जताई गई है। पटना मौसम केंद्र की माने तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जो है यह मौसमी सिस्टम जाने वाला है। मौसम वैज्ञानिक विवेक सिन्हा की माने तो मध्य उत्तर प्रदेश में यह कुछ कमज़ोर हुआ है, जिसके कारण आंधी पानी काफ़ी प्रचंड होने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के रूप में यह बेहद ताकतवर रूप में आगे बढ़ रहा है, जिसमें बिहार में बारिश, ठनका और ज़बरदस्त मेघ गर्जन के आसार हैं। बता दें कि मौसम विभाग इस पर लगातार नज़र बनाए हुए है। इधर मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार के पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और पटना जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। देर रात तक अलर्ट की संख्या और भी बढ़ने की बात कही गई है। इधर बिहार में दिन भर उत्तरी दक्षिणी बिहार में उत्तर दक्षिण दिशा से गुजर रही टर्फ लाइन की वजह से आंधी पानी के दौरान जारी रहा, यानी कि इस दौरान जो है बारिश की स्थिति बनी रही। केवल मध्य बिहार में आंधी पानी की स्थिति नहीं हुई है, यानी कि इस दौरान जो है इन जिलों में आंधी पानी जैसे बारिश जैसे हालात नहीं देखे। हालांकि पूरे बिहार में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री तक नीचे चला गया। सोमवार को प्रदेश में सर्वाधिक तापमान बक्सर में 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उत्तर बिहार के अधिकतम इलाकों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री या फिर उससे कम दर्ज किया गया। दक्षिण बिहार में 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक का पारा दर्ज किया गया। प्रदेश में पूर्वा और दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रभाव जारी है। इधर मौसम विभाग ने पहले ही कह रखा है कि इस बार बिहार में मानसून तय समय से पहले आएगी, यानी कि अभी देश में केरल में मानसून जो है एक तरह से कह रहे हैं कि पहुंच गया है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खूब झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि बिहार में भी बारिश होने की पूरी संभावना है। तो एक तरह से कह रहे हैं कि बिहार में इस बार मानसून अपने तय समय से पहले दस्तक देगी, और जिस तरह से पूरे देश में इस बार मानसून के दस्तक देने की बात कही जा रही थी, उसमें केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहले ही मानसून ने अपनी सक्रियता दिखा दी है। इधर बिहार सरकार की अगर हम बात कर लें तो बिहार सरकार लगातार आपदा प्रबंधन के साथ मिलकर बाढ़ राहत कार्यों को लेकर अपनी अभी से ही निगरानी शुरू कर दी है। बाढ़ वाले इलाकों में पुल पुलिया के निर्माण को लेकर कार्य जारी कर दिया है। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि जिस तरह से सरकार एक्टिव है और जिस तरह से मौसम ने अपनी सक्रियता दिखाई है, ऐसे में यह कहा जा रहा है कि बिहार में बारिश इस बार अपने तय समय पर होगी। लेकिन अगले 24 घंटे को लेकर जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, उसमें लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक मौसमी सिस्टम जो है बहुत ही तेज़ी से बिहार की तरफ बढ़ रहा है, जिससे कि उम्मीद की जा रही है कि अगले 24 घंटे यानी कि मंगलवार की रात में यह सिस्टम पूरे बिहार में प्रभावी होने वाली है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।